नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कहते हैं राजनीति का नशा बड़ा ही खराब होता है, इसके लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। अब ऐसे ही राजनेताओं के नाम में केजरीवाल का नाम भी शामिल है। अब केजरीवाल पंजाब के बाद गोवा की जनता के लिए भी वही घिसे पीटे खोखले वादों का पिटारा लेकर पहुंच गए हैं। केजरीवाल के फर्जी वादों पर देखिए हमारी ओर से तैयार की गई ये स्पेशल रिपोर्ट। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। पार्टी जनता को लुभाने के लिए अपने कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजनीतिक दलों में एक दूसरे से आगे रहने की होड़ मची हुई है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा की सभी महिलाओं के लिए कई खास योजनाएं की है। ये योजनाओं का पिटारा कोई नया नहीं है। केजरीवाल ने यही खोखले वादे, यही घिसे पीटे वादे दिल्ली की जनता से भी किए थे, उत्तराखंड की जनता से भी किए और पंजाब की जनता से भी किए, जो कि वो अब गोवा में लेकर पहुंच गए हैं। दरअसल केजरीवाल ने अपनी घोषणा में कहा कि जिन महिलाओं को गृह आधार योजना नहीं मिलती उनके खातों में हर महीने 1,000 रुपए डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गोवा के विकास के लिए प्लान तैयार कर रही है, जब उनकी सरकार बनेगी तो वे क्या क्या करेंगे, किसी और पार्टी को उनसे मतलब नहीं है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गृह आधार योजना में अभी जो 1,500 मिल रहा है उसे बढ़ाकर 2,500 महीना करेंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ये भी कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने गृह आधार योजना के तहत दिए जाएंगे। वहीं बजट को लेकर उन्होंने कहा कि हर महिला को 1,000 देने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए। गोवा का बजट 22,000 करोड़ रुपए है, लेकिन जब कोई फ्लाईओवर बनता है या किसी सड़क का निर्माण होता है तो 22,000 करोड़ का 20% यानी लगभग 4,400 करोड़ रुपए करप्शन में चले जाते हैं। हम इसी 4,400 करोड़ को बचाएंगे और सभी महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैंने गोवा के लिए फ्री बिजली की घोषणा की, बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की, तीर्थ यात्रा का ऐलान किया और महिलाओं को 1,000 देने का वादा किया। ये सारा खर्च अगर मिला दिया जाए तो 1,000 करोड़ रुपए बैठेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के नेता बहुत खराब हैं। आप नेता ने कहा कि गोवा से इन खराब नेताओं को साफ करना है। कोई पूछे केजरीवाल साहब से, जहां भी वे जाते हैं वहां के नेता खराब हो जाते हैं। और ये बात बोल भी वो रहे हैं जो खुद प्रदूषण और कोरोना के समय में दिल्ली की जनता को छोड़कर वोट्स की भीख मांगते फिर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।